अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो स्टैंड के ऊपर आप पटरा कैसे कसेंगे, इसी के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले हम लोहे का पौदान और कास्ट आयरन का पौदान कसने के ऊपर एक वीडियो अलग से बना चुके हैं। इस स्टैंड को आप कसेंगे कैसे, इसके लिए एक अलग वीडियो बना हुआ है। आज का जो वीडियो है वो इस स्टैंड के ऊपर हम ये पटरे को कैसे फिट करेंगे, इसी के ऊपर ये वीडियो है। अब स्टैंड फ्रेंड्स, आप हो सकता है लोहे का ख़रीदे हों या हो सकता है कांति का ख़रीदे हों, दोनों को कसने का तरीका एक ही है। खाली आपको गौर ये करना है कि जो लोहे के आप पौदान कसेंगे इसमें पेंच जो लगेंगे वो थोड़े छोटे लगेंगे, और जो कांति के पौदान कसे जाएंगे उसमें पेंच थोड़े से बड़े होंगे। तो वो दुकानदार आपको खुद ही थोड़े छोटे या बड़े पेंच, जैसा आप स्टैंड खरीदे होंगे वैसा वो देंगे। मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ। एक छोटा पेंच दीजिए हमको, ये देखिए फ्रेंड्स छोटा पेंच है, और देखिए ये बड़ा पेंच है। ये जो बड़ा वाला पेंच है, अगर आप इसको इस बड़े वाले पेंच को इसमें कसेंगे इस टाइप के रहेंगे तो ये इसमें तो जाएंगे भी नहीं, क्योंकि ये अलग टाइप के हैं। और अगर ये चले भी जाएंगे तो आपके पटरे को ना ये फाड़ के ऊपर आ जाएगा, अगर लंबा पेंच होगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ पतले से लोहे की टीन होती है। इसीलिए इसके अंदर आपको ऐसे छोटे पेंच कसेंगे ताकि ये आसानी से आपके पटरे में जाके कस आ जाए ऊपर। और जो अपने कांति वाले पौदान होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये मोटी सी जगह होती है जो ढलाई में, तो अगर आप छोटे पेंच इसमें कसेंगे तो ये बीच ही में ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए इसके अंदर ऐसे लंबे पेंच कसे जाते हैं, क्योंकि इसमें आधे से ज़्यादा हिस्से नीचे हो जाएंगे, इसी में रह जाएंगे, और ये इतना हिस्सा आपका पटरे के नीचे से कसा जाएगा। तो हम लोग फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल कांति वाले ही पौदान को कसने का स्टार्टिंग करते हैं, लोहे वाले को किनारे कर देते हैं। पेंच का खाली आपको गौर करना है कि पेंच उसमें छोटा लगेगा, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कसने का तरीका दोनों का एक ही रहेगा। पहले हम लोग जो है दराज आपको दिखाएंगे कि दराज कैसे कसेंगे। ये दराज होती है जो उसमें टूल्स वगैरह रखने के काम में आती है। ये दराज के लिए आपको लाइन कसना पड़ेगा, तो हम लोग को लाइन लगाना और दराज कसने का ढंग पहले बता दें हमें बबलू भाई हमारे। एक इसके ऊपर पटरा लगा करके, अब आप नया मशीन खरीदेंगे तो आपको पटरा नहीं, किसी भी लकड़ी के ऊपर इस अपने नए पटरे को रख दीजिए। गौर ये करिएगा खाली कि जिस साइड आप खड़े रहें ये पटरे को उल्टा करना है, और ये हिंजिस वाला हिस्सा जो आपका है आपके इधर साइड में रहेगा। चलिए करिए। अब जैसे देखिए हम लोग यहाँ खड़े हैं तो हमारी ये दोनों हिंजिस जो है अपोजिट साइड में होनी चाहिए, और पटरा आपका उल्टा होना चाहिए। किसी भी नोकीली चीज़ से थोड़ा सा मार दें वहाँ पर, और बारीक पेंच इसके साथ आपको मिलेंगे जब आप मशीन खरीदेंगे जहाँ से भी, तो उसमें आपको बारीक पेंच मिले रहेंगे, वो आपको लगा देंगे। इसको तो पेंच को ठोक दें, और आखिर में थोड़ा सा पेचकस से एक दो चूड़ी घुमा देंगे तो और अच्छा पकड़ लेगा। इसमें कोई बहुत वज़न नहीं होता है, इसलिए खाली आप ठोक भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कि अक्सर जब मशीनें आप ख़रीदते हैं और आपको कहीं दूर जाना होता है तो आप पूरा कसा कसाया हुआ पौदान नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए आपको मशीन अलग और पौदान पटरा अलग से लेना पड़ता है। फिर उसके बाद कसने में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि आदमी मशीन रोज़ रोज़ तो ख़रीदता नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए जो है मैंने इससे पहले स्टैंड कसने का भी वीडियो बनाया था, आज जो है टेबल स्टैंड के ऊपर कसने का भी वीडियो बना रहा हूँ कि आप मशीन ख़रीदें तो आप खुद से आसानी से पटरे और पौदान खुद से एक दूसरे में कस सकते हैं और पौदान को भी कस सकते हैं। बाकी मशीनें चेक करके आप दुकानदार से ले लीजिए। एक हल्की सी एक पेंच यहाँ पे पीछे भी लगा दें ताकि जो है ये दराज जो है ना पीछे रुक जाए जा करके, नहीं तो वो आप अकेलेंगे तो आगे बढ़ जाती है।
आपका दराज कंप्लीट हो गया। अब ये जब आप इस पटरी को इस पे रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये दराज आपकी एकदम सामने आपके आ गई लेफ्ट साइड में। इसको हटा के बाहर कर दीजिए। अब हम आपको जो है इसमें पेंच कैसे कसाएगा और ऊपर से बेल्ट कैसे लगाएंगे और अलाइनमेंट कैसे सही रखेंगे, क्योंकि मशीन आप लगाने के बाद बेल्ट चढ़ा के आपको अलाइनमेंट चेक करना होगा। अगर आपने ऊपर के चक्के, हाँ बेल्ट तो आप कोई भी लगा सकते हैं, दो तरह की बेल्ट आती है, एक नायलॉन में आती है, एक लेदर में आती है। लेदर वाली बेल्ट साइज़ में थोड़ी लंबी होगी तो आपको थोड़ा सा कट करके लगाना होगा, ये वाली आप कसेंगे तो टाइट होगी तो इसको खींच करके लगाना होगा। तो हम लोग कोई भी जो आपको समझ में आएगा एक लगा लीजिए बेल्ट कोई भी। हम लोग लेदर से ही स्टार्ट करते हैं। इसके साथ इसमें एक पिन लगी रहेगी। थोड़ा सा मुंह इसका चिपटा कर लीजिए। कोई भी नोकीली चीज़ से बीचों बीच जो है छेदा आपको करना पड़ेगा ताकि ये पिन उसके अंदर चली जाए। ये पिन उसमें चली जाएगी, फिर आपको इसको पिलास या किसी ऐसी चीज़ से इसको घुमा लीजिए चिमटा उमटा से। मशीन का अब आपको इसके ऊपर हेड लगा लेना है, अपनी मशीन जो आपने लिया हो या जो आपके पास पहले से हो, अगर आप खाली पौधान खरीदे हैं तो। लगाने के बाद आप नीचे से, आपको यहाँ सिर्फ गौर ये करना है फ्रेंड्स कि ये जो ऊपर चक्के के अंदर बेल्ट चल रही है यहाँ पे, और जो नीचे यह है पौधान के बीच में जो बेल्ट चलेगी, ये चक्के के बीच में यहाँ नीचे भी, दोनों एकदम सीधा होना चाहिए, यही आपको गौर करना है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर वो टेढ़ा मेढ़ा होगा तो बेल्ट चलते चलते उतर जाएगी। मैं अभी आपको दिखाऊंगा अगर आप टेढ़ा लगाएंगे तो बेल्ट कब उतरती है। ये आप नाप लीजिए और थोड़ा एक्स्ट्रा खींच करके, ये नाप एक्स्ट्रा है उसको काट लीजिए। ये जो लेदर की बेल्ट होती है वो चलते चलते ढीली होती रहती है, इसलिए आपको जब भी वो ढीली हो जाए एक्स्ट्रा हिस्सा इसी तरह थोड़ा सा काटना पड़ेगा फिर जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए आजकल नायलॉन की ज़्यादा चल रही है कि वो नायलॉन की एक बार लग जाती है तो चलती रहती है, बस उस पर तेल कोई ना डाल दे। तेल अगर आप डाल देंगे चाहे इस पर तो कोई भी बेल्ट चलेगी सरकने लगेगी, तो वो काम बस मत करिए, बाकी तो खूब चलता रहेगा। और दर्जी लोग होते हैं जिनको ज़्यादा यूज़ करना होता है तो वो लोग तो कपड़े का लगा देते हैं, हमेशा की फुर्सत हो जाती है उनका। अब देखिए ये आपको एकदम अलाइनमेंट में मिलाना है। अब ये आपका नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा एकदम अगर सीधा आप मिला देंगे तो बेल्ट नहीं उतरेगी। अब आप थोड़ा सा इसको तिक्खा कर दे, थोड़ा बोलिए थोड़ा तिक्खा उखा कर दीजिए तो जब बेल्ट उतरने लग जाती है, जो देखिए जैसे ही आप चलाएंगे बेल्ट खट से उतर जाएगी, क्योंकि आपका नीचे का जो चक्के का अलाइनमेंट है और ऊपर मशीन के चक्के का अलाइनमेंट सीधा नहीं है। बेल्ट उतरने का सिर्फ एक ही कारण है, अक्सर मशीन लोग ले जाते हैं फिर फ़ोन करते हैं कि भैया बेल्ट उतर जा रही है। अब उनको हम लोग बहुत समझाते हैं कि सर सही अलाइनमेंट करके रखिए, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं, तो इसीलिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं कि हम लोग ये वीडियो उनको भी दे दें ताकि उनके काम में आए। तो आप अलाइनमेंट एकदम सीधा रखिए और खूब चलाइए, चलाइए मशीन अच्छे से, बेल्ट चलाइए। ये जब आपकी मशीन का बेल्ट नहीं उतरते तो आप समझ लें कि अब ये ओके है। अब इसी जगह आपको छेद करके पेंच कस देना। अब आपको नीचे बैठ जाने हैं बस, यहाँ पे बर्मा मिल जाए तो बहुत अच्छा है, हल्का सा बर्मा से छेद करके आप उसको कस दें। और अगर आपके पास बर्मा नहीं मिल सकता है तो कोई भी नोकीली चीज़ से धीरे से मारें,
बस इतना धीरे से मारें कि पेंच उसके मुंह में फंस जाए और पेंच फिर अपने आप ऊपर कस आ जाता है। थोड़ा ताकत ज़्यादा लगेगी फिर आपकी, लेकिन अब वैकल्पिक व्यवस्था तो वही है कि किसी नोकीली चीज़ से मार के पेंच कस दिया जाए। ये इसी तरह 8-10 चूड़ी घूमेगी, पेंच कस आ जाएगा आपका। हर साइड जो जो प्रक्रिया आपने इधर अपनाई है वही चीज़ हर तरफ होगी। इसी तरह बस आप सीधा करते जाइए, कसते जाइए, सीधा करके वहाँ पर कस दें। अब जैसे मान लीजिए कुछ भी नहीं है तो धीरे से किसी नुकीली चीज से ये आपने मार दिया, बहुत तेज मत मारिएगा नहीं तो पटरा ही फट जाएगा। बस इतना तेज आप मारें कि काम आपका बस हो जाए। ऊपर से ऐसे दबा लेंगे तो फिर आपका ऐसे बस आ जाएगा। खींच लिया, आगे खींच करके पीछे का भी कंप्लीट कर दिया। जब हम लोग दिखा रहे तो सब A to Z। इसी तरह फ्रंट आपको दोनों छेद, जैसे आपने आपने आगे साइड में फ्रंट साइड में हो गया आपका, इसी तरह जो है मशीन के जो है पीछे साइड के दोनों जगह उसी तरह आप छेद कर दीजिए और पेंच कस लीजिए। कोई मुश्किल नहीं है, बस किसी जेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो ताकत के साथ उसको कस सकें। अगर कोई ना हो तो अगल बगल कोई आपके टेलर मास्टर हो उनसे आप रिक्वेस्ट कर लीजिए कि मास्टर साहब थोड़ा सा कस दीजिए स्टैंड, तो मास्टर लोग कस देते हैं, क्योंकि अक्सर वो लोग मशीनें खोल के ही ले जाते हैं। अगल बगल क्षेत्र में भी मास्टर लोग ही लोगों की मदद करते हैं कि भाई पौधान कस देंगे वो आपका। जैसे भी है फ्रेंड्स, मुश्किल कुछ नहीं है, बहुत आसानी से कसा जाएगा। सेम इसी तरीके से आपका अम्ब्रेला का भी पौधान कसा जाता है। अम्ब्रेला का पौधान के ऊपर भी हम लोग वीडियो किसी दिन बनाएंगे, जिसके अंदर घुटना वगैरह लगाने का तरीका भी बताएंगे कैसे घुटना कसाएगा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, मैं वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ। शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आया हो।